तो भाई लोग की हालचाल। आज की इस वीडियो में ना बहुत ही ज़बरदस्त दो ऐसे सीक्रेट लोकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे अगर इन केस आपका लास्ट सर्कल या फिर अगर सर्कल का एंड बन जाता है ना, तो दोस्तों आप ना बहुत ही इजी से बहुत सारे बंदे को मार सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जो है किल रेटिंग जो है बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ये कौन से लोकेशन से आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा और वो सारे के सारे डिटेल्स, और उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक दो ऐसी भी टिप्स दूंगा जहाँ से ना आप बहुत ही ईजी तरीके से किसी का भी किल कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है ना, आपको अगर आप जो है सर्वाइव कर रहे हो, कार है आपके पास, बगी है, कोई भी हो, तो दोस्तों इस प्रकार के घर ना आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि विंडोज़ पे कुछ जो है ऊट के पत्ते लगाए हुए हैं, या देख सकते हो पत्ती लगाई हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार के घर में ना कभी भी आप अगर जाते हो तो आपको एक चीज़ पता ही होगा कि आपको अगर पबजी गेम खेलना है तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ही आपको पूरा का पूरा कॉन्सनट्रेट जो है आपको पबजी में देना पड़ता है। तो क्या होता है ना, तो कभी भी आप इस प्रकार के घर पर आते हो तो आपको करना क्या है ना, इस टाइप के विंडोज़ के सामने आपको अपना गाड़ी पार्क कर लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, तो कोई भी बंदा अगर कोई भी एस्कॉर्ड अगर आपके ऊपर रश कर रहे हैं तो आप दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से बिना खिड़की के बाहर निकले ही इसी डोर में से आराम से आप जो है कार पे हो जा सकते हो, यानी कि आपको डोर से बाहर निकलना नहीं है, बस आप उस विंडो के सामने चले जाना है। विंडो के सामने चले जाने के बाद आप जो है यहाँ पे ड्राइव पे कर लीजिए, आप फटाक से जो है घर के बाहर आ जाओगे, यानी और उसके बाद जो है आप अपना कार लेके वहाँ से भाग सकते हो। अगर आपको जो है बहुत सारे बंदे ने घेर लिया है तो दोस्तों ये ट्रिक ना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, और क्योंकि पबजी गेम में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ही आपको ध्यान से खेलना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी ट्रिक की, और दोस्तों ये ट्रिक ना एक पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है जो कि मिलिट्री बेस का लेफ्ट साइड की जो ब्रिज है उसके सामने एक जो है यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेट्रोल पम्प है। इस लोकेशन पर ये ट्रिक काम कर रही है। अगर आपका जो है पबजी गेम बहुत ही ज़्यादा, आप अगर स्नाइपर पे आप बहुत ही जो रेटिंग रखते हो दोस्तों, आपको ना ये ट्रिक 100% आजमानी है। आपको करना क्या होगा ना, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ लूट कर रहा हूँ, और इसके बाद दोस्तों इस पेट्रोल पंप के जो है साइड पे मैं चला जाऊँगा और सारे के सारे ट्रिक जो है यहीं पे होने वाली है। आप इस जगह पे आ जाना है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो है बस जो है पुराना बस यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ इसके ऊपर जाके आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से हाइड हो सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लूट पड़े हैं तो इस लूट को मैं उठा लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 6x भी मिल गया है। अब दोस्तों मैं इसके ऊपर जाके बहुत ही इजी तरीके से मैं जो ब्रिज से आने वाले जितने भी एनिमीज रहते हैं मैं उसको जो है किल कर सकते हो। हालांकि आप अगर बस के बैक साइड से इसके ऊपर जंप करते हो आप नहीं उठ पाओगे, लेकिन अगर साइड से आप यहाँ पर जंप करते हो आप बहुत ही आसानी से ऊपर उड़ सकते हो। आप देख सकते हो इस प्रकार से आप जो है इसके ऊपर उड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो है अगर ज़्यादा बंदे आ चुके हैं, ज़्यादा आप अकेले हो और 4 बंदे अगर आपको मारने ले आ रहा है, तो इजी से जो है आप यहां से रफा दफा हो सकते हो, यानी कि उससे जो है उस जो है बस से आप जो है पीछे की तरफ जंप करके आप वहां से भाग सकते हो। अगर नहीं आपको स्नाइपिंग करनी है तो दोस्तों ये जगह ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। आपको करना क्या होगा, इसके साइड में आ जाना है, और इसके साइड में आने के बाद इसके ऊपर जो है आपको चढ़ जाना है। जैसे आप इसके ऊपर चढ़ जाओगे फिर इसको जो है इस बस के ऊपर आपको चढ़ने की कोशिश करना है। यहां पर चढ़ने के बाद दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से आप देख सकते हो जितने भी बंदे वहां से ब्रिज से आएंगे उनको सारे के सारे बंदे को आप यहां से स्नाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही दोस्तों बेस्ट ट्रिक है, आपको इसको जरूर से ट्राई करना है, ठीक है। इसके लिए ना आपको क्या होना है, आपे जो है आपको बैठ लेना है, और बैठने के बाद जो है थोड़ा सा पीछे आ लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैं गिर गया, लेकिन फिर से आप जो है थोड़ा सा बैक आते हो तो इसके ऊपर जो पत्ते हैं उन पत्तों के वजह से जो है आप टोटली यहाँ पे हाइड हो सकते हो। दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे और पबजी खेलते रहे।